दिल्ली दूरदर्शन चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला कैथल गांव सीवन में। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाई बहन सरकार की योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। आज हमारी पूरी टीम आ पहुंची है हरियाणा के कैथल जिले के सीवन गाँव में। तो फिर आइए देर किस बात की, सीधा चलते हैं चौपाल के अंदर। तो जैसे कि हमने आपको बताया, आ चुके हैं हम सिवान गांव में और आज यहां पर हमारे साथ बहुत से किसान भाई जो हैं वो मौजूद हैं और आज हम यहां पर बात करेंगे कुछ योजनाओं के बारे में। तो फिर आइए बिना कोई समय गवाए बातचीत की शुरुआत करते हैं, जानते हैं समझते हैं कि हमारे किसान भाई कितनी जानकारी रखते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। आइए सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। इस योजना की शुरुआत की गई जिससे कि किसान इससे ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ उठा सकें। और आइए बातचीत में सबसे पहले रुक करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं और इनसे जानते हैं सबसे पहले इनका नाम क्या है। आपसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइए। सुखवीर सिंह जी। आप ये बताएं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, क्या रीजन रहा जो ये? रीजन तो ये था इसके पीछे कि किसान का अगर फसल नुकसान होती है, डैमेज होती है, तो उसका कंपनी जो है, जो भी कंपनी है, उसको उसका मुआवजा दे। तो किसान को जो है ना वो आर्थिक तौर पर वो उसका बचाव हो सके जी। लेकिन ये जो पॉलिसी इन्होंने शुरू की है, ये फसल बीमा पॉलिसी, इसका किसान को बिल्कुल 1% भी फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल, तो जानकारी रखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, लेकिन जैसा कि इनका कहना था कि अभी तक किसानों को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा है। और भी हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे भी मैं यहां पर जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, आप किस तरह से समझते हैं इस योजना के बारे में? मैडम, जो ये फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चलाई तो किसान के लिए फायदे के लिए थी, लेकिन इससे ज़्यादा किसान का नुकसान हुआ है। वो कैसे नुकसान हुआ है, लेकिन अभी अभी आपको पता है कि कितनी बरसात हुई है, काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है। लेकिन इन्होंने जो शर्तें जो रखी हुई हैं नेशनल कंपनियों ने, भी जब तक 75% गाँव का नुकसान नहीं होगा तब तक हम नहीं देंगे। लेकिन जिस किसान का नुकसान हुआ है, मान लो 2 एकड़ का किसान है, उसका नुकसान हुआ है, तो खत्म हो गया ना जी। उसके ऊपर क्या उसको मिला? ऐसे करके इन्होंने जो शर्तें रखी हैं ये बिल्कुल गलत है। आप जो कहते हैं कि फसल लिट गई है उसके ऊपर कोई कुछ नहीं मिलेगा, फसल जल गई है उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन शर्तों ने किसान का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहता हूं अगर ये चलाना है, जिस किसान का जितना नुकसान है उसको उसी टाइम मिलना चाहिए, तब फायदा इसका किसान को, नहीं तो वरना कोई फायदा नहीं इसका जी। बिल्कुल, हम मौजूद हैं सीवन गांव में, अब आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्री परिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य, योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान,
वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान, सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा, राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटे के वापस आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, तो फिर आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार यहाँ पर अभी हमने 2 किसान भाइयों से बात की और वो उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फिलहाल जो है वो कोई किसी तरीके का फायदा नहीं हो रहा है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो रखी गई हैं उनसे अभी तक कोई फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि जब तक किसी योजना के बारे में ढंग से समझा ना जाए आप उसका लाभ नहीं ले सकते। इसलिए आज हम यहाँ पर यही बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके की ये योजना है, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, ये प्रधानमंत्री ने क्यों इस योजना को लागू किया, इसके पीछे क्या इसका अभिप्राय था, इसको जानने समझने की पहले हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आप सबसे पहले अपना नाम बताएं।
नाम जोगिंदर कुमार जी। जोगिंदर जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपको क्या लगता है कि क्यों ये योजना चलाई गई, क्या इसके पीछे का मकसद रहा होगा? सरकार ने जो ये योजना चलाई है, जैसे फसल नष्ट हो जाती है उसके लिए चलाई है, लेकिन वो फसल बीमा योजना जो चलाई है किसानों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन किसानों तक वो जो कंपनी वाले हैं वो साइडिंग से उनसे पहुंच नहीं पाती। जैसे मान लो मेरे 10 एकड़ जमीन है, 10 में से 3 खत्म हो गई, 7 रह गई, वो तीनों का मुआवजा ना के बराबर नहीं मिलता। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा एक मरला भी खत्म होता है तो उसी हिसाब से मेरे को मुआवजा दिया जाए, मेरे को बीमा कंपनी की तरफ से या सरकार द्वारा या फिर जैसे भी हो मुआवजा मिलना चाहिए। आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी स्कीम थी, लेकिन ये स्कीम जो है ये पूंजीपतियों के लिए है, किसान को उसका कुछ फायदा नहीं होता जी। अभी अगर आप फील्ड में जाके देखें, मेरा खेत जाके देखें, पूरा बिछा हुआ है, लेकिन वही है कि इतने परसेंट होगा तब मिलेगा, इतने परसेंट होगा। जब बीमा मेरा कट चुका है, किस्त मेरी जा रही है, कंपनी को किस्त जा रही है, उसके वापस क्यों नहीं कर रहे? जब किस्त काटते हैं उसमें शर्त नहीं रखते, वो तो फटते ही काट देते हैं, मैनेजर काट कर ले जाता है। ये चीज़ ये बंद होना चाहिए बिल्कुल। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक आगे आपकी बात जो है वो जरूर जाए। यहाँ पे कुछ और भी लोग बैठे हैं, आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अमरेंद्र सिंह खारा जी। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू की गई थी वो जमींदारों के लिए शुरू की गई थी। जो स्कीम गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री की तरफ से चलाई गई स्कीम बहुत बढ़िया है, पर उस स्कीम का फायदा जमींदार तक नहीं पहुंचकर कंपनियों को पहुंच रहा है। जिस जमींदार का जितना नुकसान हुआ है उसी हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हर जमींदार का बीमा 75% के हिसाब से नहीं काटती। जिस जमींदार के हिसाब से जिसका उसका खर्चा है, जितनी उसकी जमीन की लिमिट है, उसी हिसाब से वो पैसे काटते हैं। तो मेरे तो यही सुझाव रहेगा कि इसके ऊपर कि उनको जो ये जमींदारों के पैसे कटते हैं उनसे बिना पूछे ना काटे जाए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत से जो हमारे किसान भाई हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं उनका यही कहना है कि योजना जो है वो अच्छी है, स्कीम जो है वो अच्छी है, लेकिन पूरी तरह से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम मौजूद हैं सीवन गांव में, अब आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं।
सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त, इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या पे मौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमें यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, तो आइए एक बार फिर रुक करते हैं अपने किसान भाइयों का, उसके बाद आइए चलते हैं हमारे पास कुछ और भी हमारे किसान हैं उनके पास, और जानते हैं कि उनके मन में क्या बात है, वो क्या रखना चाहते हैं सरकार के आगे अपनी बात। जी अपना नाम बताएं। बलजीत सिंह जी, मैं एक फसल बीमा के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने जब जो पिछले अभी थोड़े दिन पहले बरसात हुई थी तो मैं गया था, मैंने वो हमारी किस्त भी कटी हुई है, वो जो काटते हैं ये लोन से, लोन में से, तो वहाँ 305 नंबर कमरा है कैथल, तो वहाँ गए तो वो कहने आपके पास में भी किसी की फसल खराब हुई है,
तो मैंने कहा भी मैंने नहीं देखी, मैं क्यों देखूं किसी की, मैं तो अपना हाल लेके आया हूं, मेरी फसल खराब है। वो कहा नहीं ऐसा नहीं है, पास अड़ोसी पड़ोसियों की भी फसल खराब होगी तो तभी उसकी गिरदावरी होगी, तभी आपको बीमा मिलेगा। तो मैंने कहा जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की मौत हो जाए, उसमें फिर पड़ोसी भी मरना चाहिए साथ में, तो फिर ही उसका लाभ मिलेगा ना उसको। तो उनका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही मेरी को गिरदावरी करने आया, ना वो देखने आया। बिल्कुल, तो यहाँ पे बहुत से किसान है जो अपनी अपनी तरह से जो है वो अपनी बात आगे रख रहे हैं, अलग अलग उदाहरण देके सरकार तक अपनी बात जो है वो पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आपसे भी मैं जानना चाहूंगी क्या बात रखनी है आप अपने। देखिए मैडम, मैं फसल बीमा के बारे में बताना चाहता हूँ जी। जो किसान की फसल बीमा है ना जी, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी योजना है जी। सबसे पहले तो किसानों को भी गुमराह किया जा रहा है इसमें जी, क्योंकि मिनिमम किसानों का बीमा है जी, मिनिमम, और मैक्सिमम इसका वो बेनिफिट लेना चाहते हैं जी। अब भी मैं वहाँ गया था सेक्रेटेरिएट में, जहाँ इसके फॉर्म भरे गए थे, जिनकी मैक्सिमम मतलब फसल डैमेज हुई हुई है। तो मैक्सिमम जो किसान थे वो लोग थे जिनका बीमा ही नहीं है जी, है लेने वाले जिनका है उनको तो मिलेगा जी, ये पक्की बात है जी। क्यों, मैं भी यहाँ छोटा किसान हूँ, लेकिन जाता हूँ मैं वहाँ, आधे किसानों को तो गुमराह भी किया जा रहा है, भी किसी को फसल का बीमा कराने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर योजनाओं के बारे में जानकारी जो है वो पूरी रखते हैं, लेकिन समस्याएं जो है वो आज के कार्यक्रम में ज्यादा निकल कर आई कि धरातल पे कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना जो है वो हमारे आज के किसान भाई जो है वो कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ के किसान भाइयों का कहना है, जो हमने बातचीत से जाना, वो यही है कि जो सरकार है वो धरातल पर आकर जो हमारे किसान है उनके लिए काम करे। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे ये जो किसान भाई जो आज जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे आगे रखी, वो जरूर हमारे चैनल के माध्यम से आगे जाएंगे। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव कुछ और सरकारी योजनाओं के साथ।